आने वाली लोकसभा चोणां नूं लै के पंजाब दी सियासत पूरी तरह गरमा गई है। इसे तहत सियासत विच दल बदलू भी शुरू हो गए ने। पार्टियां दे आगू एक पार्टी नूं अलविदा कह के दूजी पार्टी दे विच शामिल हो रहे ने। इसे दरम्यान जलंधर तो सांसद मैंबर सुशील रिंकू अते विधायक शीतल अंगुराल दे भाजपा विच जाण दीआं चर्चावां दा बाजार गर्म हो गया। सवेर तो ही यह चर्चावां चल रही ने कि एक विधायक शीतल अंगुराल अते सांसद मैंबर सुशील रिंकू भाजपा विच शामिल हो सकते हैं। भाजपा विच जाण दीआं चर्चावां विचाले शीतल अंगुराल का अहम बयान सामने आया है। की आखते हैं आओ तुहानू दिंदे आ पूरी जानकारी। शीतल अंगुराल का कहना है कि वह आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं अते पार्टी के ही विधायक ने। भाजपा विच जाण दी चल रही चर्चा बिल्कुल झूठ है अते सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। जिहड़े लोग मजे लै रहे ने उन्हां नूं मजे लैण दिओ। कुछ लोग मेरे प्रति अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह तो बचो। जिन्हें भी मेरे साथी जलंधर तो मैनू देख रहे हैं, मैं दसना चाहना कि मैं किसी भी तरीके का कोई भी इदां दी कोई पार्टी च नहीं जा रहा, ना कोई कदम उठा रहा। मैं आम आदमी पार्टी का हिस्सा हाँ, आम आदमी पार्टी के विच ही हाँ, आम आदमी पार्टी का ही विधायक हाँ। अज पार्टी प्रति जो भी मेरी जिम्मेवारी लगाई जा रही है उसनों मैं पूरा कर रहा। पर कि लोग है जेडे मजा लै रहे हैं उन्होंने मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं थोड़े तो इस करके आया कि मैं निजी काम के लिए, तुम्हें पता मैं हर हफ्ते दिल्ली आना अपने कारोबार के लिए, तो इस करके मैं अब काम के लिए आया। मैं अज शाम वापस जलंधर आ रहा, पर जोड़े लोग भी इस चीज़ का मजा लै रहे उन्होंने मैं यही कहंगा। कई लोग खबर के राय भी लै रहे हैं कि खबर का जो मसाला लगा रहे, अगर वो कोई भी खबर लगाना चाहते हैं प्लीज़ मेरी जरूर वाइट लाई जाए ज मेरा वर्शन लिया जाए। इस करके कि इदा ना लगाया जाए मेरे साथियों को महसूस हो, मेरे हल्के कुछ महसूस हो। बाकी दोस्तों मैं फिर एक बार कह रहा कि मैं आम आदमी पार्टी के नाल हाँ, आम आदमी पार्टी का हिस्सा हाँ। इस करके मैं किसी भी जेडे लोगों ये मजे लैन की आदत वो लोग लेंदे रहेंगे उन्होंने मगर ना जाओ। तुम किसी भी अफवाह के पिछे नहीं जाना, जब भी तुम्हें कोई लगे डाउट में तुम मेरे न कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगे गलबात करते उन्होंने कहा कि जेकर मैं पार्टी में किसी कोई नाराजगी होगी तो मैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दसागा। उत्थे सुशील रिंकू ते भाजपा में जाण दीआं चर्चावां बारे गलबात करते हुए शीतल अंगुराल ने कहा कि उन्हां बारे ये भी अफवाह फैलाई जा रही है कि वह श्री गुरु रविदास महाराज जी के पवित्र अस्थान बनारस विखे नतमस्तक होने लिए गए हुए ने। वह अपने गुरु जी का आशीर्वाद लैके चोण मैदान के उतरना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सब तो पहला लोग सभा चो ऐलाने गए उम्मीदवार विच सब तो पहला नाम सुशील रिंकू का ही सी। मेरी उन्होंने नाल उंझे एक महीने तो कोई गलबात नहीं हुई है। भाजपा विच जाण दीआं चर्चावां दा जवाब सुशील कुमार रिंकू खुद देणगे। दसनयोग है कि अज सवेर तो ही सोशल मीडिया से यह चर्चा चल रही है कि जलंधर तो सांसद मैंबर सुशील कुमार रिंकू और विधायक शीतल अंगुराल भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इत्थे दस दिए कि सुशील कुमार रिंकू नूं लोक सभा चोणां लई आम आदमी पार्टी वालों अपना उम्मीदवार ऐलानिया गया है। इसका जवाब भी उन्होंने वालों दे दिता गया। अरदास करके कि सफलता प्राप्त हो गए और परमात्मा मैं ताकत बख्शे कि मैं जलंधर के लोगों की है जी आने वाले 5 साल है जी सेवा कर सकता और जलंधर दड़िया जोड़ा जो साढ़े शहर साढ़े रूरल इलाके जड़िया सहूलत चाहिए केंद्र सरकार वालों उन्होंने सहूलत जरा पूरा कर सका। इस मकसद के नाल अज इतने आके नमन किया अपने परिवार के नाल। सो क्योंकि अज काफ़ी सख्ती सी मंदिर परिसर के लाइव जोड़ा करना बिल्कुल पिछले 4-5 दिनों तो काफ़ी सख्ती चल रही थी, इस करके मंदिर परिसर के जाके लाइव नहीं हो सकया। सो मैं एक बार फिर पार्टी का धन्यवाद करना अपने जलंधर के भरावान का साथियों का सारे वर्कर भरावान का धन्यवाद करना जिन्हों की मेहनत सदका जिन्हों की शुभकामना सदका दूसरी पारी जी है शुरू कर मैं सुभाग प्राप्त हो। और मैं आस करता कि आप सारे शहर के जो सज्जन मित्र दोस्त वर्कर रल मिल के इस वार की जी जित है इन पिछली वार ना भी जो वही जित के बदल के एक दुआबे जो नवा इतिहास। ब्यूरो रिपोर्ट हमदर्द टीवी।